हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक और रोम का रिव्यू कर रहा हूँ अपने रेडमी नोट 5 प्रो में। तो मैं यहाँ पर रिव्यू करूँगा डॉट ओएस, जो कि यहाँ पर नया बिल्ड आया है डॉट ओएस का। और चलिए अबाउट फोन में चलते, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन दिखा दें। एंड्रॉयड वर्जन वो यहाँ पर आपको 9.0 देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच वो यहाँ पर आपको अगस्त का मिल जाता है। तो देखते हैं क्या ये रोम आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। उससे पहले चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब, लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर लॉन्चर से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी कौन कौन से लॉन्चर आपको देखने को मिल जाते हैं इस रोम में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पिक्सेल लॉन्चर एंड क्विक स्टेप। तो दोनों ही मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रूटलेस पिक्सेल लॉन्चर, जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और सेटिंग में जाएंगे, काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, थीम्स के, चेंज आइकॉन शेप, आइकॉन पैक भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जो भी मुझे आइकॉन पैक चाहिए वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका आइकॉन जो है वो उसे चेंज कर दिया, जो कि काफ़ी कूल लॉन्चर है ये। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाइज़, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट कैमरा ऐप जो है MIUI देखने को मिल जाते हैं, MIUI का कैमरा ऐप। यहाँ पर आपको AI मोड भी देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ EIS। और यहाँ पर कैमरा टू API जो है वो इनेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप गूगल कैमरा जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जियो वोल्टी की बात कर लें, तो जियो वोल्टी जो है वो दोनों ही सिम्स में वर्क करता है। दोनों ही सिम में आप जियो वोल्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जियो में आपको कोई इशू नहीं गए, कॉल की क्वालिटी की मुझे कोई इशू नहीं लगी यहाँ पर इस रोम में। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लेंगे, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे उतना ठीक ठाक सा लगा, एवरेज है। एनिमेशन डिले मोस्ट ऑफ द रोम में होता है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट ये ऑटोमेटिक फेस अनलॉक नहीं होता, आपको जो है वो यहाँ पर स्वाइप अप करना पड़ता है। तो ये पिक्सल की तरह नहीं है कि अपने आप आपकी लॉक स्क्रीन चली जाएगी। बैटरी लाइफ की बात करेंगे तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8% मेरी बैटरी है, और बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 आवर्स की स्क्रीन आउट टाइम मिल जाती है, जो कि 7.5 घंटे काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है मुझे लगी इस रोम की। बैटरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इस रोम में, एक दिन मेरा बिल्कुल आराम से चल जाता है। इवन कुछ परसेंट जो बैटरी है वो भी यहाँ पर लेफ्ट होती है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में इस रोम में। तो रोम की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सभी चीज़ें जो वर्क कर रही हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में, कनेक्टेड डिवाइसेस में जाएंगे वहाँ पर भी सब चीज़ें वर्क कर रही हैं, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर सब चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। डॉट ओएस एक्स्ट्रा में जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे काफ़ी तरह के ऑप्शन यहाँ पर, नेविगेशन बार, क्विक सेटिंग। तो यहाँ पर आप अपने मन से देख सकते हैं कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, नाइट लाइट, सभी चीज़ें वो यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी बग नहीं लगा मुझे इस रोम में। और यहाँ पर बॉटम में जाएंगे तो एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि वो भी यहाँ पर वर्क करता है। इवन यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर भी एम्बिएंट डिस्प्ले में, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, सभी चीज़ें अच्छे से वर्क करिए। पर डबल टैप टू वेक थोड़ा सा स्लो है, और यहाँ पर डबल टैप टू वे फेस अनलॉक जो है उसे मैंने बता दिया, सब अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू नहीं है फेस अनलॉक में। यहाँ पर हम UI स्टाइल में जाएंगे तो UI स्टाइल में आपको काफ़ी तरह के थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। डॉट ओएस न्यू UI जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं काफ़ी डीप ब्लैक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ब्लैक हो, लाइट डार्क ग्रे हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर डीप ब्लैक मिलता है। अगर ये एमोलेड डिस्प्ले होता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एक्सेंट कलर वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्वेश स्टाइल वो भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मन से, जो कि यहाँ पर काफ़ी कूल लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं और यहाँ पर क्वेश स्टाइल कर दूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फॉन्ट है वो भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। डिजिटल वेलबिंग वो भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट है इस रोम में, तो डिजिटल वेलबिंग आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट फोन में जाएंगे तो कुछ ऑप्शन नहीं मिलते, सिस्टम में जाएंगे जेस्चर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड पाई के यहाँ पर जेस्चर आपको देखने को मिल जाते हैं, जंप टू कैमरा मिल जाता है।
तो यहाँ पर सभी चीज़ें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाती है, काफ़ी अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको इस रॉम में देखने को मिल जाते हैं। गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की, तो वो है यहाँ पर 113,275 आपको इस रॉम में देखने को मिल जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं लगे, डेली यूसेज में कोई इशू नहीं है, कोई लैग एंड क्रैश नहीं है, इवन गेमिंग में वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जब आप पबजी खेलते हैं तो आप HD में खेल सकते हैं, मैं यहाँ पर साइबर हंटर खेल रहा हूँ, आप देख सकते हैं गेम जो है काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है स्मूथ ग्राफिक में। यहाँ पर आपको HD में अगर खेलेंगे तो वहाँ पर इशू देखने को मिलेगी, मैं सजेस्ट करूँगा बैलेंस में ही खेले तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो गाइस ये था एक छोटा वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और डेफिनेटली चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं साइबर हंटर का एक अलग से गेम प्ले वीडियो बनाऊँ रेडमी नोट 5 प्रो में, जिसमें मैं काफ़ी सारे आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूँ इस गेम के बारे में। तो जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट में इस गेम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको वीडियो चाहिए रेडमी नोट 5 प्रो के लिए।